M&M एजुकेशनल सर्विसेज हमीरपुर के निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि प्रदेश पुलिस विभाग की भर्ती 11 अगस्त 2019 को निर्धारित की गई है। इसके लिए पूरे हिमाचल में 108 विद्यार्थियों की निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था संस्थान के अनुभवी टीम द्वारा प्रदान की जाएगी। अगर निशुल्क पंजीकरण 108 से ऊपर होता है तब अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया 30 अंकों से होगी। उन्होंने बताया कि इस चयन प्रक्रिया में 10वीं कक्षा से 10 अंक जमा 2 कक्षा के 10 अंक, स्नातक का 1 अंक, विधवा पर आश्रित के लिए 1 अंक, बीपीएल के लिए 2 अंक, एनएसएस के लिए 1 अंक, स्टेट स्पोर्ट्स का 1 अंक, नेशनल स्पोर्ट्स के 2 अंक, सिंगल गर्ल चाइल्ड का 1 अंक, लैंडलेस का 1 अंक मिलेगा। इन सभी अंकों को मिलाकर चयन किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपना पंजीकरण संस्थान की वेबसाइट mandames.in पर या यूट्यूब चैनल MMEAS हमीरपुर या 9418025677 व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम या स्वयं संस्थान में आकर करवा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो ये पुलिस की भर्ती जो जिन्होंने ग्राउंड क्लियर कर लिया है उनका जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो 11 अगस्त को होने जा रहा है। इसके लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने ग्राउंड टेस्ट किया है इस संस्थान ने 108 प्रतिभागियों के लिए फ्री निःशुल्क कोचिंग का प्रावधान किया है। ये कोचिंग जो है वो 29 जुलाई से शुरू होगी और 9 अगस्त तक चलेगी। इसमें 12 दिन के शेड्यूल में सुबह 9:30 बजे से क्लासेस होंगी और शाम को 5:30 बजे तक विषय विशेषज्ञों के द्वारा जो 5 सब्जेक्ट हैं इनके 5 या जो 6 आते हैं जिसमें सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य भाषा विज्ञान होगा, हिंदी होगी और आपका मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगी, इसके साथ जीके में हिमाचल का और इस तरह से कोर्स कंटेंट रहेगा जिसमें मैथमेटिक्स और एवरीडे साइंस भी रहेगा। ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा ये जो फुल डे का 8 आवर्स का जो शेड्यूल हमने सेट किया है इसमें खास तौर पर हम इन प्रतिभागियों के लिए ऐसा करेंगे कि जो एक्सपर्ट हैं जो 16-16 नंबर का हर पार्ट इनको 80 क्वेश्चन आएंगे इस तरह से तैयार करवाएंगे कि इनका पोर्शन यही तैयार हो जाए और बिल्कुल समराइज करके और इजी वे में, मोस्टली इंग्लिश में जैसे बच्चे गलती करते हैं तो उसमें एक्सपर्ट के द्वारा स्पेलिंग एरर्स और उस तरह से बिल्कुल टेक्निकल बेस है क्योंकि इस संस्थान का जो है वो कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस रहा है। ये डिमांड आ रही थी कि काफी टाइम के बाद जो है वो मतलब इस तरह से लोगों की अपेक्षाएं थी कि हम इस तरह की सुविधा मुहैया करवाएं ताकि दूर दराज क्षेत्रों के जो गरीब हैं कई बार बच्चे वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से इस बार संस्थान ने 108 सीट्स का जो है वो प्रावधान किया है। इनके लिए जो है वो 28 जुलाई इस यानी कल तक जो है वो दोपहर 2 बजे तक जो है वो पंजीकरण लिया जाएगा और शाम तक जो है वो लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी जिन भी विद्यार्थियों को ये सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो भी मैं बताऊं कि क्योंकि 108 से ऊपर जब हमारी पंजीकरण चला जाएगा तो इसमें जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रखा है वो हमने 30 अंकों का रखा है। इन 30 अंकों में 10% जो है वो 10वीं के अंक होंगे, 10 अंक होंगे जिसमें प्लस टू में जो है वो 10 अंक 10% उसी तरह से लेंगे। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो जैसे बीपीएल के 2 नंबर रखे हैं, विडो डिपेंडेंट है उनके लिए 1 नंबर रखा है, एनसीसी और एनसीसी एनएसएस और एनसीसी है उसका 1 नंबर रखा है, स्पोर्ट्स स्टेट किसी ने और लगाया है तो उसके लिए 1 नंबर है, स्पोर्ट्स नेशनल लगाया है तो उसके लिए 2 नंबर है, सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए 1 नंबर है और जमीन यानी लैंडलेस है कोई तो उसके लिए भी 1 नंबर है, जिसने ग्रेजुएशन की है उसको भी 1 नंबर है। तो इस तरह से ये पूरे 30 नंबर बने। इसमें सबसे खास बात ये है कि कई बार क्या है कि बच्चों को काफी जैसे कि बीपीएल या अदर सर्टिफिकेट्स के लिए कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि समय बहुत कम है, तो हमने ये प्रावधान किया है कि बच्चे जो है वो सिंपल अगर पंचायत सेक्रेटरी से ही साइन किए हुए सर्टिफिकेट होंगे तो हम वो चेक करके क्योंकि प्रॉपर वेरिफिकेशन करके ताकि वो कैंडिडेट एलिजिबल हो ताकि प्रॉपर एक मेरिट में हम उन बच्चों को प्रावधान दे पाए जिनको वाकई में जरूरत है। और बाकी ऐसा नहीं है, टाइम टू टाइम जो है वो संस्थान जो है वो इस तरह की सुविधाएं जो मुहैया करवाता रहता है। तो हमें ये उम्मीद है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जो हैं
वो इसको अवेल करें। पूरे हिमाचल प्रदेश से जो है वो ये हमने अपनी तरफ से मैसेज देने की कोशिश की है, आपके माध्यम से भी सबको पता लगे। इसके साथ साथ बाकी यहाँ पर जो संस्थान में है वो जैसे टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स की जो है वो कमीशन की क्लासेस चली है, अभी तुरंत टेट की भी 15 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हम जैसे ही इनका कोर्स खत्म करेंगे पुलिस का तो अगला वो शेड्यूल जो है वो जारी हो जाएगा। ठीक। पीएलटीवी के लिए हमीरपुर से पवन कुमार की रिपोर्ट।